हेलो बिशिया माय लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास फर्स्ट क्लास जगका। तो गाइज हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज कल रात से यहाँ पे एक न्यूज़ बहुत ही वायरल हो रही है कि क्राफ्टन की तरफ से यहाँ पे बहुत से स्ट्रीमर्स को यहाँ पे एक नोटिस दी गई है, जिनको यहाँ पे बोला गया है कि जो भी आप लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं उसको बंद कर दो, ठीक है। एक यहाँ पे वार्निंग मैसेज सबको सेंड हुआ है। तो गाइज उससे रिलेटेड बहुत से बंदे बोल रहे हैं कि हाँ, जो BGMI है वो परमानेंट यहाँ पे बैन हो चुका है। तो गाइज उसी टॉपिक पे हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे पूरा लाइव प्रूफ के साथ कि क्या आखिर BGMI बैन होने वाला है परमानेंटली, या फिर यहाँ पे कुछ हिंट है जो कि यहाँ पे आपको BGMI अनबैन भी होता हुआ देखने को मिलेगा। बट उससे पहले गाइज यहाँ पे एक ऐसा अर्निंग एप्लीकेशन है जो डेली के आपको 500 रुपये तक अर्न करके देता है। एप्लीकेशन और उसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग चेकआउट करके आज से ही अर्निंग करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले गाइज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, तो यहाँ पे आप लोग एक पोस्ट के अंदर देख सकते हो जो कि यहाँ पे क्राफ्टन ने साफ साफ जो यहाँ पे एंग्री पांडा स्पोर्ट्स है उनको यहाँ पे नोटिस दी है। जिस नोटिस के अंदर क्या क्या लिखा है वो चीज़ भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें साफ साफ गाइज यहाँ पे लिखा है कि जो भी यहाँ पे इवेंट आप लोग करंट डेट पे कर रहे हो उसको यहाँ पे स्टॉप कर दो इमीजिएटली, ठीक है। जो भी आप लोग यहाँ पे स्ट्रीम्स ये सब कर रहे हो उसको आप लोगों को इमीजिएटली यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। इस तरीके से गाइज यहाँ पे क्राफ्टन के थ्रू वार्निंग मिली थी, जिसके थ्रू गाइज यहाँ पे जो 8-bit गोल्डी है उन्होंने भी यहाँ पे स्ट्रीम बंद करवाई थी, और उन्होंने भी यहाँ पे बोला था कि जो SATUL टीम में जितने भी मेंबर हैं ना वो सब लोग यहाँ पे स्ट्रीम बंद कर दो या फिर सबको यहाँ पे आउट कर दिया जाएगा। जिसकी गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लिप भी लाइव प्रूफ के साथ दिखाती हूँ जो कि हम लोगों को जेम वायर के थ्रू मिली है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये क्लिप देख लो। क्राफ्टन ने टीओस को इमीडिएटली, क्राफ्टन ने हमको भी बोला इमीडिएट इफेक्ट से ऑल स्ट्रीम्स शुड बी क्लोज्ड, नोबडी विल स्ट्रीम। हमने भी आगे बोल दिया है इफ एनीबॉडी स्ट्रीम They will go home. SATUL से out. ठीक है, ओनली SATUL से आउट, ठीक है, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। अब गाइज यहाँ पे एक क्लिप के अंदर इन्होंने यही बोला है कि स्ट्रीम्स इमीजिएटली बंद कर लो वरना SATUL टीम से सबको बाहर निकाला जाएगा। बट गाइज यहाँ पे जो स्टोरी इन्होंने डाली ना, उसके बाद इन्होंने एक और स्टोरी डाली थी जिसके अंदर वो क्या बोल रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो यहाँ पे गाइज साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कल ही यहाँ पे जो डिस्कस हुआ था कि स्ट्रीम सब लोगों को बंद करनी है, वो गाइज यहाँ पे एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हुआ था ऑफिशियल्स की तरफ से, ठीक है। ऑफिशियल वालों ने यहाँ पे स्ट्रीम ये सब बंद करने के लिए बोला था, तो सब लोगों को यहाँ पे लगा कि BGMI की जितने भी स्ट्रीमर थे ना सब लोगों को यहाँ पे स्ट्रीम बंद कर देनी है। बट गाइज ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं था, स्ट्रीमर्स को यहाँ पे ऐसी कोई सी भी नोटिस नहीं मिली, जो कि यहाँ पे गोल्डी भाई ने खुद ही कंफर्म कर दिया है कि एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन था, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे बात आती है कि आखिर यहाँ पे क्राफ्टन वाले ने सबको स्ट्रीम करने के लिए बंद करने के लिए बोला है, तो आखिर यहाँ पे स्ट्रीमर्स को बंद नहीं करना तो बंद करना किस लोगों को है? तो गाइज साफ साफ यही है कि जो भी बंदे यहाँ पे टूर्नामेंट्स खेलते हैं ना, टूर्नामेंट की यहाँ पे जो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं उनको यहाँ पे बंद करने के लिए बोला है। जो कि गाइज यहाँ पे आप सब जानते ही हो कि BGMI अभी बैन है, तो थर्ड पार्टी टूर्नामेंट करना यहाँ पे गलत है, और उसी के साथ गाइज यहाँ पे उनकी स्ट्रीम्स करना भी गलत है। तो यहाँ पे जो क्राफ्टन ने ऑफिशियल नोटिस दी थी वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दी थी जो यहाँ पे थर्ड पार्टी टूर्नामेंट करवा रहे हैं कि आप लोग अभी बंद कर दो। जितने भी लोग यहाँ पे BGMI की स्ट्रीम कर रहे हैं ना उनको यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया कि BGMI की स्ट्रीम बंद कर दो, वो लोग यहाँ पे कंटिन्यू BGMI की स्ट्रीम कर ही सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे साफ साफ इसका रीज़न यही है कि BGMI यहाँ पे परमानेंटली बैन नहीं हुआ है। क्राफ्टन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर ये थर्ड पार्टी टूर्नामेंट करवाते हैं तो उसके थ्रू गाइज अगर गवर्नमेंट को और ज़्यादा पता चला कि एक बैन गेम का भी यहाँ पे टूर्नामेंट्स चल रहा है जो कि पैसे से चल रहा है, और उसी के साथ बैन गेम के भी यहाँ पे स्ट्रीम्स हो रहे हैं जो कि टूर्नामेंट के हो रहे हैं, तो इसके थ्रू गाइज गवर्नमेंट आगे कोई भी एक्शन ले सकती है जिसके थ्रू BGMI का आना और भी यहाँ पे हार्ड हो सकता है, BGMI को और भी यहाँ पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जो क्राफ्टन है उन्होंने सिर्फ टूर्नामेंट के जो लाइव स्ट्रीम्स हो रहे हैं उनको बंद करने के लिए बोला है, ना कि जो BGMI गेम प्ले कर रहे हैं उनको, ठीक है। जिसके थ्रू गाइज यहाँ पे एक और बंदे हैं जो कि साउल गोब्लिन है, उन्होंने भी यहाँ पे कल के दिन ही स्ट्रीम स्टार्ट करी थी, जिसमें इन्होंने यहाँ पे यही बोला है कि यहाँ पे जो क्लासिक की स्ट्रीम्स कर रहे हैं वो अलाउड है, जो लोग सिर्फ स्क्रीम खेल रहे हैं वो लोग नहीं खेल पाएंगे, मतलब कि जो लोग टूर्नामेंट खेल रहे हैं वो लोग नहीं खेल पाएंगे, बट जो क्लासिक की स्क्रीम कर रहे हैं वो तो यहाँ पे कंटिन्यू रख ही सकते हैं। तो गाइज यही इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों को इस वीडियो में देनी थी। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है कि BGMI यहाँ पे परमानेंट बैन होने वाला है इसलिए स्ट्रीम बंद करवा दी है।
क्राफ्टन को BGMI लाने के लिए यहाँ पे और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए यहाँ पे बैन करवाया है। बाकी यहाँ पे बहुत सी पॉजिटिव न्यूज़ वायरल हो ही रही है। एक गाइस यहाँ पे और न्यूज़ वायरल हो रही है जो कि बहुत 100% कंफर्म है कि यहाँ पे अप्रैल मंथ में लॉन्च पार्टी होने वाली है। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को वो भी यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ दिखा दूंगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।